सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप मुझे धमकी दे रहे हैं। अरे आप, देश आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं। संबित पात्रा आपसे उठ रहे हैं। संबित पात्रा, ये तरीका गलत है, बार बार उठ रहे हैं। बिल्कुल, आप बैठिए। गोबर पात्रा के दिन आजकल बेहद खराब चल रहे हैं। अलग अलग डिबेट शो में अपनी हर कसर पूरी करवा चुके गोबर पात्रा की बस एक ही कसर बाकी रह गई है, और वो भी अंजना ओम कश्यप के एक शो में लगभग पूरी होते होते रह गई। वरना पात्रा की वो ख्वाहिश भी कांग्रेस प्रवक्ता संजय निरुपम ने पूरी कर दी होती। याद कीजिए उन डिबेट्स को, जब किसी भी डिबेट में गोबर पात्रा खुलेआम विपक्ष के किसी भी प्रवक्ता को कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया करता था। पैसा लेकर भाग रहे लोग, पैसा लेते हो, यहाँ चिल्लाते हो। मिस्टर पात्रा, चिल्लाओ मत। आईएस के एजेंट, बैठ जाओ। मिस्टर रोहिंग्या, अलाउ मी टू से, व्हाई आर यू कॉलिंग मिस्टर रोहिंग्या? यू आर अ स्पोक्सपर्सन ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर अजय कुमार, डोंट बी एवर यूज लूज वर्ड्स। पहले शांत हो जाइए। पाकिस्तान पात्रा जी, पहले तो अपना पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। देश तो आपका इटली है मैडम, आपका देश इटली है, इंडिया नहीं है। मुझे तो पूरा डाउट है कि गांधी फैमिली रिसीव्स मनी फ्रॉम चाइना। मौलाना, आप पाकिस्तानी है क्या? आप पाकिस्तानी है क्या? ये हर किसी को पाकिस्तानी बोलेगा? नहीं नहीं, प्लीज। अभी कॉमरेड सलीम को इसने पाकिस्तानी बोला दूसरे चैनल पे। चार टर्म का एमपी हो, उसको भी पाकिस्तानी बोला। मैं दूसरे चैनल की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। वो घटिया इंसान है, घटिया। हो गया, अब रुक जाइए ना दानिश अली। वैसे एक बात लेकिन जब दूसरे प्रवक्ताओं ने गोबर पात्रा को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू किया, तो गोबर पात्रा की हालत पीलिया की शिकार आइटम गर्ल जैसी हो गई है। बेहया की सारी सीमाएं लांघ चुका गोबर पात्रा अब दूसरे प्रवक्ताओं के मुंह तोड़ जवाब देने पर केंचुए की माफी कुल भुलाने लगता है। जैसे ही कोई प्रवक्ता गोबर पात्रा को चंद्रकांता के क्रूर सिंह रूपी उसका शैतानी चेहरा आईने में दिखाता है, गोबर पात्रा अजगर की तरह एंटने लगता है। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि कल तक जो एंकर गोबर पात्रा की बदतमीजी पर उसकी आरती उतारा करते थे, अब वो भी पात्रा की नौटंकी पर उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। गिरगिट की तरह पल पल में रंग बदलने की कला अपने फेकू पापा से सीखने वाले गोबर पात्रा की ऐसी ही तीन स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहाँ गोबर पात्रा को विपक्ष के प्रवक्ताओं ने ऐसा फुटबॉल बनाकर धोया कि खब्बीस पात्रा की शक्ल सड़े हुए तरबूज से बदलकर सड़े हुए पपीते की माफिक हो गया। सबसे पहले दिखाते हैं मुंबई में हुआ आज तक चैनल का वो शो जिसमें गोबर पात्रा और कांग्रेस प्रवक्ता संजय निरुपम आमने सामने थे। आदत के मुताबिक गोबर पात्रा ने अंजना ओम कश्यप के सीधे सवाल पर भी नौटंकी करना शुरू कर दिया। राहुल पर गलत टिप्पणी करने लगा, मगर पात्रा भूल गया कि उसके सामने संजय निरुपम जैसा कांग्रेस का ठेठ बिहारी प्रवक्ता बैठा है। पात्रा ने जैसे ही राहुल गांधी को लेकर उसी टिप्पणी की, निरुपम का पारा लहक गया। उसके बाद तो जो कुछ हुआ देखने लायक था। अंजना ने आकर बीच बचाव किया, तब जाकर कहीं मेर ढक पात्रा की जान बची। बिल्कुल चिल्लाओ मत, बैठ जाओ। आपके यहाँ राहुल गांधी है, यहाँ तुम्हारे आदेश पालन नहीं चल रहा है। एक सेकंड, आदेश पालन क्यों नहीं रहा है? संजय जी, क्यों बातें मत करो? आप यहाँ नॉन स्टॉप चिल्ला रहे हो। मारिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं गाल दिखाता हूँ। मारिए, आप मारिए मुझे। बिल्कुल, आप बैठिए। कुछ ऐसा ही नजारा
न्यूज 18 के शो में भी दिखाई दिया। सीबीआई में हुए घमासान को लेकर इस चैनल पर बहस चल रही थी। शो को फेंकू चचा का सबसे चापलूस एंकर अमेश देवगन होस्ट कर रहा था, मगर यहां तोते थर पात्रा ने शब्दों की सारी मर्यादाएं लांघ डाली, राहुल गांधी को तू तड़ाक से संबोधित किया। इसके बाद तो कांग्रेसी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खब्बीस पात्रा की ऐसी बखिया उधेड़ी कि पात्रा शो छोड़कर भागने लगा। क्या 24 घंटा रफाइल 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 लगा रखा है? अरे राहुल गांधी, तेरे पास अगर रफाइल की कागज है ना, जाओ ना तुम कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ ना। यहाँ बैठ के रफाइल रफाइल रोज क्यों चिल्लाते हो? ये बदतमीजी से अगर बात करेगा तो मैं इसको उसी बदतमीजी से जवाब देना चाहता हूँ। ये तू तड़ाक करना मैं भी सीखा शुरू करता हूँ। पवन जी, अमित देवगन जी, आपने इसकी बदतमीजी सुन ली अपने चैनल पे, मैं नहीं सुनूंगा। सवाल तो सुन लीजिए पवन जी। अरे हमारा चौकीदार ही चोर है तो क्या सुन ले हम? अरे इसने तू तड़ाक करके राहुल गांधी नादान बच्चा, मैं इसको बताता हूँ डरपोक प्रधानमंत्री का ये प्रवक्ता, ये हमें सिखाएगा। संबित पात्रा ये तरीका गलत है, बार बार उठ रहे। आखिर में पात्रा एक बार फिर पहुंचा अंजना ओम कश्यप के शो हला बोल में। यहां मृढ़क पात्रा ने खुले आम राहुल गांधी को डकैत कहा, लेकिन जब कांग्रेसी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गोबर पात्रा के चेहरे पर कालिख पोता तो पात्रा पागल हो गया और अंजना ओम कश्यप को शो छोड़कर भागने की धमकी देने लगा। इस पर अंजना ने भी गोबर पात्रा की ऐसी तैसी कर दी। अंजना दहाड़ती रही और पात्रा भीगी बिल्ली बना सब कुछ सुनता रहा। पात्रा को अंदाजा नहीं था कि अंजना उसके धमकी को कूड़े कचरे में डाल देगी और उसकी जमकर खातिरदारी करेगी। अंजना गोबर पात्रा की बखिया उधेड़ती रही और इधर गोबर पात्रा का कोहरे की माफिक चेहरा देखते ही बन रहा था। नहीं, मार देते दोनों डकैती के चार्ज पे बेल पे बाहर। तड़ीपार पार्टी का अध्यक्ष, जहां तक ये डकैत अंजना जी फिर ये चालू हो गए। सुने, अरे तड़ीपार है या नहीं बताइए, अमित शाह तड़ीपार का आरोप लगा है या नहीं लगा सा बताइए। सर यही है ना संबित जी, है या नहीं बताइए, मैं इसका जवाब दीजिए। शब्दों की जब आप गरिमा को भूल कर अब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ऐसे ही बहस होगी। बताइए संबित पात्रा क्या बोल रहे हैं आप, आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं अगर यहां पर पवन जी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो हमें आपत्ति नहीं है, हमें विषय रखना है, बाकी चैनलों में रख देंगे, कोई विषय अच्छा, नहीं है। हम मतलब आप खुली धमकी दे रहे हैं मुझे आज तक पर, आप मुझे धमकी दे रहे हैं आज तक पर। आप देश आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आप मुझे धमकी दे रहे हैं। अगर नहीं हम आपके हमारी बात सुनना नहीं चाहते तो फिर हम भी बोलने का मौका दे रहे हैं। ऐसे हजारों मौके आते हैं जब आप भी चुप नहीं होते हैं, मैं भी लगातार उनको चुप होने के लिए ही बोल रही हूँ। कुल मिलाकर आजकल रैलियों में फेकू चचा की धज्जियां राहुल गांधी उड़ा रहे हैं और न्यूज चैनल के स्टूडियो में फेकू चचा के लौंडे की धज्जियां कांग्रेसी प्रवक्ता और एंकर उड़ा रहे हैं। क्यों बकलोल दास सही कहा न? द लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।